सो हाय गेमर्स यार, कैसे हो? तो गाइस आज हम लोग खेलने वाले अपने सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 4। एंड पार्ट 3 में यार हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना। एंड हाँ, मैंने उसकी जो प्लेलिस्ट है यार वो मैंने क्रिएट कर दिया, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। और आज के एपिसोड में ना गाइस हम लोग बनाने वाले हैं इंचैनमेंट की, मतलब कि एकदम से ना एक फार्म बनाने वाले हैं जिससे कि हमें अनलिमिटेड इंचैनमेंट बुक जो होती है ना, इंचैनटेड बुक्स वो मिलेगी। अब देखो, और उसका काम क्या है कि अभी तक देखो मेरे पास डायमंड का आर्मर नहीं आया है। तो देखो यार, डायमंड का आर्मर बनाने से तो नहीं होता ना, उसके अंदर तो इंचेनमेंट तो मेरे को चाहिए होगी। तो इसीलिए आज मैं एक मैंडिंग का अनलिमिटेड फार्म बनाने वाला हूँ। एंड आपको तो पता ही है भाई कैसे बनने वाला है। सो अपन लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपना व्यू एंगल चेंज करते हैं। तो गैस जो भी मैंने ऑफलाइन काम करा था वो मैं दिखा देता हूँ। सामने आप लोग देख रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा डर्ट था, तो मैंने वहाँ से सारे डर्ट मैंने हटा दिया। मैंने किस लिए हटाया मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो एरिया है मैंने कुछ बड़ा कर दिया, इधर का जो पूरा का पूरा एरिया मैंने कुछ इंक्रीज़ किया है और बहुत सारी चीज़ें करी है। एंड ये देख सकते हो भाई, जो एरिया है ना, यहाँ पे मैंने एक फार्म बनाया है, अनलिमिटेड पम्पकिन फार्म बनाया। अब देखो इससे मेरे को अनलिमिटेड पम्पकिन मिलेंगे। एंड देखो ऑटोमेटिक है, फुल्ली मेरे को कुछ नहीं करना, बस पम्पकिन ऑटोमेटिक ग्रो होते हैं एंड इसके अंदर आ जाते हैं। एंड यहाँ पे इसीलिए मैंने चिकन का भी बना दिया है एग फार्म। देखो इससे क्या है कि मेरे को खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो मैं पम्पकिन पाई बनाने वाला हूँ, इसलिए मैंने बनाया। एंड यहाँ पे बहुत गंदे लग रहे थे ये सीप, तो मैंने इनके लिए भी एक ऐसा बना दिया जिससे मेरे ऑटोमेटिकली चेस्ट के अंदर चले जाएंगे। सब कुछ यार ऑटोमेटिक मैं बना रहा हूँ, मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा आलसी हूँ मैं, ये सब काम नहीं करता मैं जल्दी। एंड पीछे की तरफ देखो यार, मैं रात को घूम रहा था ना, तो मुझे देखो क्या मिला। देखो भाई यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर मिला है। एंड इसके साथ ये देखो हॉर्स भी बैठा हुआ है। मैं इसको क्योर करके ना बहुत सस्ते दामों में इससे बुक वगैरह में ले सकता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो जो नेदर वॉर्ड था गाइज, वो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे रोप दिए हैं। तो भाई उसको क्योर करने से पहले ना मैं एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ जहाँ पे मैं मतलब विलेजर को रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे इन्वेंटरी में कुछ ब्लैक स्टोन है, तो इसी से मैं यहाँ पे ना एक एरिया बना लेता हूँ जहाँ से मैं उसको ट्रेड वगैरह इजीली से कर सकूँ, क्योंकि उसको देखो क्योर करने में ज़्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं है, डायरेक्टली क्योर हो जाएगा। एंड कुछ इस तरीके से मुझे ब्लॉक लगा देने एंड बस यहाँ से एक ब्लॉक और लगाना। एंड देखता हूँ भाई एक एक ब्लॉक की और कमी है नहीं है मेरे पास, तो चलो यार देखते हैं। अपने जो चेस्ट में तो बहुत सारे ब्लॉक पड़े रहते हैं, तो इस ब्लॉक को मुझे कुछ यहाँ पे आके इस तरीके से लगा देना है और बस अपना काम हो गया। एंड भाई अभी मेरे को रेल्स वगैरह भी चाहिए होंगे, तभी मैं उसको जो उसके अंदर डाल पाऊँगा। तो यहाँ से मैं पहले चेक कर लेता, आई थिंक सो मैंने रेल बनाया था जब मैंने वो पम्पकिन फार्म बनाया था ना, तो यहाँ पे 7 रेल है आई थिंक सो। इसे काम हो जाए, मैं एक्सेस करने का कोशिश करता हूँ यहाँ से चेस्ट को। भाई नहीं होगा, चलो यार ऊपर ही चल लेते हैं भाई। तो यहाँ से मैंने देखो माइन भी बहुत सारी करी, तो मेरे को कोल देखो कितना सारा कोल, तो भाई इजीली मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है। तो इससे मैं बना लूँगा एक माइन कार्ट, एंड माइन कार्ट के जरिए ना उसको इजीली लाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ से एक माइन कार्ट बना लेता हूँ, बस अपना काम हो गया। तो अभी मैंने जो ब्लॉक लगाया था ना उसको मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये रखूँगा तो भाई वो जा नहीं पाएगा, पता नहीं मैं क्या क्या करता रहता हूँ। एंड मुझे सबसे पहले ना पोशन वोशन की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले मैं कुछ सैंड उठा लेता है, तो मेरे पास ग्लास की कमी होगी, मतलब कि पिछले एपिसोड में हम लोग कर रहा था, तो यार मेरे पास ग्लास होगा चाहे नहीं भी, तो हाँ तो पहले से है, बट कोई नहीं यार लेके आ चुके हैं तो रहने देते हैं। एंड ऊपर मेरे पास फ्यूल के लिए काफ़ी सारे मैंने वो स्लैब बनाए थे ना, तो उसको मैं जलाने वाला हूँ इनके लिए। तो शायद इस वाले चेस्ट में मैंने रखा था, तो हाँ यहाँ पे 50 स्लैब है, इससे तो अपना काम ईजिली यार हो जाएगा। तो चलो यार नीचे चलते हैं। और हाँ यार, आजकल मैं देख रहा हूँ यार आप लोग वीडियो को ना बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे यार, मतलब व्यूज़ तो आ जाते हैं बट लाइक कोई नहीं करता। एंड यहाँ पे हमें 3 ग्लास मिल चुका है, एंड भाई ज़रूर से इससे ना हम लोगों का जो काम है वो हो जाएगा। वैसे अभी 3 ही चाहिए, स्प्लैश पोशन तो हमें बनाना पड़ेगा, पोशन ऑफ वीकनेस का तो ईजिली हो जाएगा। तो वैसे भी एक ही विलेजर है तो हमारा काम तो ईजिली हो जाएगा। एंड इसके अंदर कुछ इस तरीके से पुट करना है, और यहाँ से मेरे को चाहिए होगा शुगर। शुगर से ना मतलब एक पोशन होता है, मतलब एक्वर्ड पोशन होता है ना, उससे ये नहीं बनता है। यहाँ से मैं शुगर का यूज़ करने वाला हूँ, और मैं एक फेरमेंटेड स्पाइडर बनाने वाला हूँ जिससे मदद से जो हमारा जो पोशन है वो तैयार हो जाएगा। तो इसको डालना है, एंड भाई देख सकते हो ये कुछ ऐसा पोशन बन चुका है। एंड अब मुझे इसमें ये डालना है, तो हमारा जो काम होगा ये डन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पोशन ऑफ वीकनेस तो मिल चुका है, बस अब इसके अंदर गन पाउडर डालना है एंड जो हमारा काम होगा गाइस वो ख़त्म हो जाएगा। एंड फिलहाल जो हमारा दूसरा काम है वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास
आई थिंक सो ऊपर ही होगा, ऊपर से मैं देखने वाला हूँ। तो मेरे पास ना शायद से एप्पल थे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एप्पल वगैरह। भाई मैं ये हर बार यही चेस्ट क्यों खोलता है, आई डोंट नो, आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैं क्यों खोलता हूँ? भाई मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं इससे यार गोल्डन एप्पल बनाऊंगा, इंचेंटेड एप्पल, क्या मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे माइन करी थी, तो मैंने यहाँ पे गोल्ड को ना पकने के लिए दिया था। आई थिंक सो उसमें काफ़ी सारे गोल्ड होंगे, तो हाँ यहाँ से हमारा जो काम हो जाएगा। आई थिंक सो 8 गोल्ड चाहिए होते हैं एक एप्पल के लिए, तो ये हमारा काम हो गया। एंड देखते हैं भाई, अब हमारा पोशन भी रेडी हो चुका होगा, क्योंकि लास्ट सब कुछ हमने कर दिया है, बस अपना पोशन हमें निकालना है। तो यहाँ से अपन लोग जो अपना पोशन है वो ले लेते हैं, और बस इसको अपनी इन्वेंट्री में स्विच करते हैं और चलते हैं भाई। अब हम इसको बस इस पोशन को मुझे विलेजर, जॉम्बी विलेजर के बाद फेंकना है, एंड इसको पोशन ऑफ वीकनेस का लग जाना चाहिए भाई, मेरे ऊपर भी लग चुका है। एंड बस अब क्योर इसको देना है। अब ये गाइज थोड़ी देर में अपने आप ही विलेजर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब तक जो हमारा काम है गाइज वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रेल्स को लगा कर रेडी करके रख देता हूँ, ताकि जैसे ही विलेजर क्योर हो मैं जल्दी से इसको इसके अंदर डाल दूँ। तो एक में यहाँ पे आई थिंक सो इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो डायरेक्टली वो चला ही जाएगा, तो मैं नीचे की तरफ ही लगा देता हूँ। और एंड मेरे पास एक माइन कार्ट है, तो आई थिंक सो इससे काम हो जाएगा बस। हाँ तो मुझे यहाँ पे भी तो लगानी पड़ेगी, तो बस अपना इतने में 2 बजे में ना काम हो जाएगा। अभी मैं जाके चेक कर लेता हूँ कि ये विलेजर बना या नहीं बना, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा यार। तो फाइनली देख सकते हो काफ़ी टाइम बाद ये जो विलेजर है वो बन चुका है, एंड मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे ले जाऊँ। एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर बोर्ड कर लेता हूँ। भाई ये ट्रेड खुल गया इसका, देख सकते हो ये मेरे को ना सस्ते दामों में चीज़ें दे रहा है। एंड भाई मैंने मतलब कि ये आ नहीं रहा था, तो मैंने क्या करा, लीड लेके गया, एंड लीड से ही लेके आ चुका हूँ। एंड बस सिंपली इसको सामने रखना, एंड थोड़ा सा मुझे धक्का देना है इसको कुछ इस तरीके से। एंड अभी जो इसका वोट है गाइस वो मेरे को हटाना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं हटाता हूँ इसको। हट जा हट जा हट जा हट जा भाई, भाई सॉरी गलती। भाई ये देखो अपना काम, देखो ये बैठ गया, इसलिए मैं इसको सामने लेके आया था, क्योंकि ये मतलब कि अगर भागने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर बैठ जाएगा। एंड मुझे जस्ट अब डाल देना है इसके अंदर, एंड ये अपना काम हो जाएगा। तो इसको जल्दी से धक्का देते हैं भाई, चल अंदर। तो हाँ अपना काम हो गया गाइस, अब मुझे क्या करना है, ऊपर से बस एक ब्लॉक लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है कैद तो कर दिया है, मतलब इसके अंदर लगा दिया है। एंड अभी मुझे इसका वर्क स्टेशन चाहिए होगा आई थिंक सो। इसके अंदर ना मेरे को मुझे लैक्टन बनाना पड़ेगा, एंड 2 लेदर है आई थिंक सो, 3 बुक चाहिए होता है एक बुक शेल्फ बनाने के लिए। एंड उससे ही जो हमारा लैक्टन है गाइस वो बनता है। तो मैं वो एक काम करता हूँ, ऊपर से चला जाता हूँ, एंड ऊपर में ही मैंने रखा था। तो भाई हर बार मैं यही चेस्ट खोलता हूँ, पता नहीं क्यों। तो यहाँ से मैं 1 लेदर ले लेता हूँ, एंड हमारा एक से काम हो जाएगा, तो एक रख देते हैं इसके अंदर। एंड चलते हैं भाई अपना लैक्टन बना लेते हैं। ऐसे देखो यार ये ना अभी क्लैरिक का जॉब ले रखा है इसने, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा पहले। एंड यहाँ से मैं जल्दी से पहले पेपर बना लेता हूँ, तो मुझे आई थिंक 9 पेपर चाहिए होंगे 3 बुक्स के लिए। एंड 3 बुक्स से हमारा जो काम है वो हो जाएगा। एंड आई थिंक सो मैंने ऊपर रखे थे काफ़ी सारे मेरे पास बूट वगैरह है, तो मैं ऊपर से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से इतने में हमारा काम तो आराम से हो जाएगा, एंड इससे हमें बस प्लैंक्स बनाने हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 1 लैक्टन मिल गया, एंड कुछ हमें स्लैब भी बना लेते हैं, क्योंकि स्लैब से ही लैक्टन बनेगा। एंड मैंने गलती से इसको क्राफ्ट कर लिया, बट कोई नहीं, देख सकते हो हमारा अचीवमेंट भी, देखो एक कम्प्लीट हो गया गाइज एक और। तो ये सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एंड ये ना माइन कार्ट के अंदर बैठा है, तो ये भाग भी नहीं सकता अभी। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, एंड इसका ट्रेड भाई अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो एक काम करता हूँ, जो अंदर में जो ब्रीड स्टैंड पड़ा है ना, तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो पहले इसको हटा देता हूँ। एंड भाई गोलम बाहर क्या कर रहा है, आई थिंक सो वो बाहर ही स्पॉन हो चुका है, तो मुझे उसको मारना पड़ेगा। एंड भाई इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, बस अपना काम हो गया। एंड एक चीज़ आप लोग देखो भाई, इसके अंदर जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ चुकी है, मतलब कि वो होता है ना, छोड़ो यार उसकी बात। यहाँ पे देखो इसने तो अपना जो काम है वो ले लिया है, यहाँ पे देखो काफ़ी सस्ते दामों में मेरे को दे रहा है। तो बस मुझे क्या करना है, इसका जो ट्रेड है गाइस वो चेंज करना है, एंड मुझे मेंडिंग की बुक चाहिए। तो आज तो मैं मेंडिंग की बुक 100% ले के रहने वाला हूँ। एंड उससे पहले यार इस आयरन गोलम को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर इसको नहीं मारा ना तो हमारा आयरन फार्म थोड़ा स्लो वर्क करेगा। तो आ जा भाई, देखते हैं हम दोनों में कौन प्रो है। तो भाई बस अब भाई अब तो ये गया, ये ले ये ले ये ले। तो भाई अब जल्दी से, वैसे एक चीज़ फीचर अच्छा कर दिया कि रिपेयर गोलम का जो है फीचर्स माइन का पॉकेट एडिशन में आ चुका, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आता है। रेड वगैरह में अगर आप लोग आयरन गोलम का यूज़ करो तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, एंड देखता हूँ आयरन गोलम हमारे कितने मतलब आयरन कलेक्ट हुए। तो भाई साहब पूरा पूरा चेस्ट भरने को आया है। तो यहाँ पे मैं कुछ आयरन रख देता हूँ सारे के सारे, अब हमारा आयरन फार्म अच्छे तरीके से वर्क करेगा। एंड बाय द वे यार अभी तो हमें और भी सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि हमें तो भाई मेंडिंग की बुक चाहिए यार। अगर
वो नहीं देगा तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ कि मैं इसका ट्रेड चेंज करता हूँ। एंड देखो भाई यहाँ पे ना मैंने इसका ट्रेड वगैरह चेंज करा है, बट ये देखो कुछ और ही ट्रेड ले रहा है। बार बार जो मैं ट्रेड देना चाहता हूँ वो नहीं ले रहा है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से ब्रिज एंड भाई इसको यार अलग खुजली है भाई, तेरे क्या खुजल मच रही। ले भाई ये मर मर के ही मानेगा। चलो तो यहाँ से मैं एक ब्रिज को बिल्ड कर देता हूँ, एंड दूर जाके हम लोग यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। एंड यहीं पे जो विलेज है, विलेजर है यार, उसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो अगर हमारे घर के पास रहेगा तो वो बार बार फालतू के वर्क स्टेशन ले लेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ वुड्स लेने के लिए आया था, क्योंकि मेरे पास प्लैंक्स जो थे वो प्लैंक्स खत्म हो गए थे। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से एक प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, बस इधर से 5 ब्लॉक तक का बनाना है मेरे को, क्योंकि भाई उसको ही तो सिर्फ ट्रेड के लिए ही तो चाहिए, एंड बस इसको फिल करना है। तो इसको भी मैं जल्दी से जल्दी फिल कर देता हूँ। एंड बाय द वे यार, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया यार जरूर से लाइक कर देना। आजकल यार लाइक आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। एंड सब्सक्राइब का बटन दबा देना, एंड उसको ना ग्रे कर देना भाई मार मार के। तो यहाँ पे पहले उस विलेजर को लाने से पहले ना यहाँ पे उसका प्लेटफॉर्म भी रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ 2 ब्लॉक इस तरीके से, एंड 2 ब्लॉक यहाँ पे, एंड आई थिंक सो 2 ब्लॉक यहाँ पे लगाने हैं, एंड बस अब अपना काम हो जाएगा। और यहाँ से हमारा जो विलेजर है यार, आई थिंक सो वो ले लेगा। आई थिंक सो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पे है तो ले लेना तो चाहिए, वैसे देखेंगे। और हम इसको अब लेके आते हैं, एंड उससे पहले भाई मेरे पास 7 रेल है, तो मुझे और भी ज़्यादा रेल्स क्राफ्ट करनी पड़ेगी। और मेरे पास तो वैसे बहुत वुड एंड जो आयरन है वो तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि मुझे आयरन फार्म से इन्फानाइट आयरन वगैरह मिलता रहता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यहाँ जल्दी से हम लोग आयरन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इतने आयरन से तो काम अपना हो जाना चाहिए। और यहाँ से मुझे रेल के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो पहले इसको ऑल से मैं इधर कर लेता हूँ। एंड हाँ, तो अभी मेरे को पहले स्टिक चाहिए होंगे, एंड स्टिक से अभी मेरे को ढूंढना है कहाँ गया रेल। तो ये माइनकार्ट मैं बना लेता हूँ एक। एंड हाँ भाई अब अपना काम हो जाए। 64 रेल यार इनफ है, इससे तो अपना काम पूरा का पूरा हो ही जाएगा। एंड अगर आप लोगों को कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी है तो उसको इग्नोर करना भाई, क्या करे यार, बच्चे भी यार चिल्लाते रहते हैं दिन भर भाई, कुछ नहीं कर सकते। एंड देखो अभी मुझे यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक बना देना है, तो डन यहाँ पे डन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली मैं जाता हूँ एंड माइनकार्ट के जरिए विलेजर को लाना है। एंड मैंने यार सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बनाया है, तो पहले मैं इधर से ना ये सारी चीज़ें हटा लेता हूँ। तो ये इसको ले लेता हूँ, इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ से जो मेरा है इसको रेल में कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि विलेजर आराम से उसके अंदर चले जाए। तो यार जल्दी से जल्दी मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे इतने रेल्स में। तो मैंने कहा था यार मेरा रेल्स मतलब इनफ रेल मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया था, तो बस यहाँ पे 1 रेल एंड डन भाई, ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली इस पीछे के 2 ब्लॉक हटाने हैं, एंड इधर से इस विलेजर को मुझे धक्का देना है, एंड ये भाई आराम से चला जाएगा। भाई साहब मानता ही नहीं यार, यहीं पर अगर जॉब ले लेता तो यार मेरे कितनी ज़्यादा आसान होता मेरे को, बट भाई समझ में ही नहीं आता। इसको तो थोड़ा धक्का दे देता हूँ, मैं भी थोड़े स्पीड में जाएगा भाई, जल्दी जा भाई जल्दी जा, मुझे भाई जल्दी से मुझे ना आज तो बनाना ही है भाई, कंफर्म है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे सब सेट कर दिया है। एंड अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कवर वगैरह अच्छे से करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ वुड ले लेता हूँ, एंड आगे यहाँ पहले लैक्टन लगा देते हैं। एंड भाई अभी ले ले भाई अपना जॉब, भाई अभी भी नहीं ले रहा, आई डोंट नो ये क्यों नहीं ले रहा। तो यहाँ पे मैं बेड भी डाल देता हूँ, ताकि हो सकता है बेड से अट्रैक्ट हो तो जॉब अपना ले ले। सो गाइस फाइनली काफ़ी कोशिश करने के बाद इसने जॉब तो ले लिया। अभी मैं चेक करने वाला हूँ कि ये क्या दे रहा है। तो यहाँ पे मैं फॉरेस्ट वॉलकर का दे रहा है भाई, ये तो नहीं चाहिए हमें। तो मुझे यार इसको यहाँ पे ना मैं कुछ पिस्टन लगा कर ले आया हूँ, ताकि मुझे बार बार इसको हटाना ना पड़े। एंड यहाँ पे एक लीवर लगा देता हूँ, एंड बस अपने को ऐसे ही करते रहना है, एंड जो अपना काम है गाइस वो हो जाएगा। एंड भाई अभी ये पता नहीं क्यों नहीं जॉब ले रहा है, तो कुछ गेम का ही ग्लिच वगैरह है। वैसे यार मैं तो इसको मनवा के ही रहूँगा, मैं तो आज इससे पक्का ही ले के रहूँगा मेंडिंग की बुक भाई, तू कैसे भी देना है बट मेरे को चाहिए यार। ये ले ही नहीं रहा, आई डोंट नो ये क्यों नहीं ले रहा। तो मैं देखता हूँ भाई यही ले रहा है, तो मैं काम करता हूँ कि चलो एमरल्स ही अपन लोग कलेक्ट कर लेते हैं, कम से कम कुछ तो ले रहा है ये। तो मैं काम करता हूँ, मैंने घर पे बहुत सारे एमरल्स रखे थे, मतलब कि कोल वगैरह रखे थे, तो वहीं से मैं सोच रहा हूँ कि कोल्स वगैरह लेके आ जाऊँ एंड इसे एमरल्स ले लूँ, बाद में हम लोग किसी और विलेजर से ले लेंगे। तो मैंने ऊपर काफ़ी सारे कोल रखे थे, तो मैं जल्दी से जाके निकालता हूँ। तो भाई ये सीढ़ी को भी मैं सोच रहा हूँ हटा दूँ यार, इसके जगह मैं ना स्काफ फोल्डिंग लगाने के लिए सोच रहा हूँ। आप लोग क्या सोचते हो यार, मेरे को कमेंट में बताना कि ये लैडर ही सही है या फिर मैं इधर पे स्काफ फोल्डिंग लगा दूँ।
एंड चलते यार अब उसके पास जल्दी से। अब मतलब आयरन भी वो ट्रेड कर रहा है ना दूसरे सेक्शन में, वो आयरन ट्रेड कर रहा है अपने दूसरे लेवल के लिए, तो थोड़ा बहुत आयरन भी अपन लोग ले लेते हैं। और आयरन तो अपने पास भाई सब इन्फानाइट है, कोई टेंशन ही नहीं है आयरन की, तो भाई इतना ले लेते, इतना काफ़ी हमारे लिए। एंड चलते यार अब उसके पास जल्दी से जल्दी। एंड हाँ, आप लोगों को हमारी सर्वाइवल सीरीज़ कैसी लगती है यार मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है कोई कुछ भी, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना। एंड भाई इसने तो शायद अपना देखो ट्रेड चेंज कर लिया भाई, मैंने सोचा यार ये लेगा, एंड देखो भाई इसने लाइब्रेरियन का अब जॉब ले लिया, तो भाई ये मेरे को परेशान कर रहा है। एंड अभी मैं फिर से ट्राई करता हूँ लेता है या फिर नहीं लेता, बट यार ये सबसे लिटरल सबसे ज़्यादा बोरिंग काम है माइनक्राफ्ट का विलेजर के साथ भाई, कुछ भाई वही समझता ही नहीं है यार हमारी मजबूरी। तो एक काम करता हूँ, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई फाइनली इसने आधे घंटे बाद जो है अपना जो ट्रेड है वो ले लिया है, और मैंने देखा यार मैंने इसको थोड़ा दूर बनाया, मतलब कि पहले से और भी ज़्यादा दूर कर दिया है। एंड ये अभी मेरे को मेंडिंग की बुक दे रहा है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैं रुको आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मेंडिंग की बुक दे रहा है जो कि मेरे को चाहिए, एंड फाइनली मुझे मेंडिंग की बुक मिल जाएगी। एंड यहाँ से मैं कुछ पेपर बना लेता हूँ जिससे मैं कुछ ट्रेड वगैरह कर लूँगा, एंड इससे यार मैं अपनी जो मेंडिंग की बुक है वो ले लूंगा। एंड भाई साहब लिटरली इसने ना कम से कम 1 घंटे से ऊपर लगा दिए तब जाके ये जो है मेंडिंग की बुक दे रहा है। एंड पिछले बार थोड़ा पीछे था, बट इस बार मैंने थोड़ा दूर बनाया इसको, तो यहाँ से मैं जल्दी से एम्ब्रस ट्रेड कर लेता हूँ। आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ये पहले मेरे को सस्ते दामों में दे रहा था, बट देखो मैंने गेम को क्विट किया था, एंड उसके बाद मैंने ट्राई किया यार, उसके बाद से पता नहीं यार अपनी जो ओल्ड वाले जो मतलब रियल वाले जो पैसे हो यार उसी में दे रहा है। बाय द वे यार ये हम लोगों को जो अपनी मेंडिंग की बुक जो हमारा फाइनल टारगेट था वो तो दे ही रहा है। एंड आज की वीडियो में यार इतना ही, कैसा लगा यार आप लोग मुझे जरूर से कमेंट में बता देना। और हाँ आजकल यार आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हो, और मतलब व्यूज़ तो आ जाते हैं बट लाइक कोई नहीं करता, तो भाई लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि यार सर्वाइवल की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैम तो किसी और ऐसे ही नहीं गेम के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।